कोंडागाटो हनुमान जी की जय हो। कोंडागाटो हनुमान जी की जय हो। कर्नाटक का रिजल्ट दिया। मैंने आज टीवी में कोई लोगों को देख रहा था कि हिंदू का नाम में भारत में और कुछ नहीं होगा। भैया और बहनों, आप लोग टीवी स्टूडियो में जो भी बोले, जब तक चंद्र और सूरज रहेगा भारत में राष्ट्रवाद रहेगा, भारत में सनातन रहेगा, ये आप लोग सुन लीजिए। मैं तेलंगाना वासियों को यही बोलना चाहता हूं। हमने सुना, लोगों ने बोला, वैसी जैसा लोगों ने बोला कि 15 मिनट आप पुलिस हटा दीजिए, हम क्या कर सकते हैं आप देख लीजिए। मैंने वैसी को बोलना चाहता हूं, वैसी जी आप कुछ नहीं कर सकता है, अभी देश में हिंदू लोग जागृत हो चुका है। पहले आप जब धमकी देते थे हम सोचता था, लेकिन आप जब हम धमकी देते हैं हमारा आपका ऊपर दया आते हैं, आपका ऊपर मेरा सिंपैथी आते हैं। किस लिए? अभी भारत और हिंदू का जो उत्थान हुआ है, ये उत्थान भारत को विश्व गुरु बनाएगा और भारत को रखने वाला और कोई भी नहीं। भाइयों और बहनों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर होगा, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज आप भगवान श्री राम का चमत्कार देखिए। इसी साल में हमारा राम मंदिर बनने वाला है। किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा कभी हटेगा, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट चुका है। भारत में हमारे कोई लोग हैं, वो लोगों का मन में ही था कि हम एक मर्द हो और हम सार सार बीबियों को शादी कर सकता हो, ऐसा उनका मन में था। लेकिन मैं बोलने वाला हूं कि ये चार साल शादी भी आप आगे नहीं कर सकेगा, वो दिन भी खत्म होने वाला है, वो दिन भी और ज्यादा दिन नहीं रहेगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात सोच के रखिए कि हमारे तेलंगाना में आज तक जो हुआ वो हमें बदलना है और हमें एक नया सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन का ऊपर हमें तेलंगाना में राम राज्य बनाना है। भाई और बहनों, मैं यहां आया, मुझको किसी ने पूछा जो असम में डीजल का दाम कितना है, 1 लीटर डीजल का दाम कितना है। मैंने बोला मेरा असम में 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपीज है। तो किसी ने बोला तेलंगाना में 1 लीटर डीजल का दाम 106-107 रुपीज होता है। असम छोटा प्रदेश है, तेलंगाना बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने आज हमें इकोनॉमी में हिसाब से भी हमें एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। किसी ने मुझको पूछा असम में कर्मचारी का दरमाहा कौन सा दिन होता है। मैंने बोला 1 तारीख में होता है, लेकिन हमारे तेलंगाना में सरकारी कर्मचारी का दरमाहा तनखा 10 तारीख में होता है। किसी ने मुझको पूछा भाई साहब 2 साल में आपने सरकारी नौकरी कितना दिया। मैंने बोला
कि मैंने लास्ट ईयर 65,000 लोगों को नौकरी दिया और आगे वाला 7 दिन का बाद मैंने और 65,000 लोगों को नौकरी देने वाला हूं। टीवी में आप लोग भी देखिए, अमित शाह जी असम जाने वाला है और एक ही दिन में एक ही मन से 65,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगा। लेकिन आज ये तेलंगाना सरकार का 10 साल हो गया, कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, 65,000 लोगों को भी अभी तक नौकरी नहीं मिला है। आप देखिए, इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में या हमारे सभ्यता संस्कृति का रक्षा में कोई काम में आज तेलंगाना सरकार आगे नहीं बढ़ा है। आज तो तेलंगाना सरकार का नाम कोई गलत कारण में पूरा दिल्ली में पब्लिसिटी हो गया कि तेलंगाना सरकार का बड़ा बड़ा नेता दिल्ली जाके दारू का लीकर का स्कैम भी करता है। आप सोच सकता है, भारत का तेलंगाना का लोग जाके तेलंगाना का मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है दिल्ली जाके, लेकिन दिल्ली जाके लीकर स्कैम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। भाई और बहनों, आज आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, ये MIM और ये TRS BRS पार्टी एक जैसा है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। TRS KCR साहब ने BRS बनाया और अभी तेलंगाना का पब्लिक ने ये BRS को VRS दे देगा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे देगा सरकार से, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, हमें ये 5 महीना हमारे सभ्यता के लिए, हमारा संस्कृति के लिए और हमारा तेलंगाना के लिए देना है। बंडी संजय जैसा नेता आज हमारा पास उपलब्ध है। आज हमें बंडी संजय जैसा नेता मिला हो, बार बार तेलंगाना सरकार बंडी जी को अरेस्ट करता है और बंडी जी बाहर आके हनुमान जैसा गुजरता है, हनुमान जैसा जुट करता है। जैसे जैसे हनुमान जी को रावण में जेल में रखने में कभी भी सक्सेस नहीं होता था, ऐसे भी हमारे तेलंगाना सरकार बंडी संजय जी को जेल में नहीं रख सकता है। और बंडी संजय जी ने, हनुमान जी ने जैसे राम राज का प्रतिष्ठा किया था, बंडी संजय जी ने भी तेलंगाना में राम राज्य का प्रतिष्ठा करेगा, ये हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं आज देखते हुए मेरा मन में ऐसा है, अगर भारत का हर जिला में करीमनगर जैसा हिंदू का बीच में एकता होगा तो ये हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज करीमनगर आके मैंने सीखा, 2011 सन से आपने हिंदू का एकता के लिए काम किया। हिंदू एकता किसी धर्म का विरोधी नहीं है। भारत में जब तक हिंदू रहेगा देश कुशल मंगल रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आज आप पाकिस्तान का हालत देखिए, आज आप दूसरा प्रदेश का हालत देखिए और भारत का आपने खुशहाली देखिए। आज भारत का भाग दौड़ हिंदू का हाथ में है, भारत हिंदू को मानते हैं, हिंदू को सम्मान करता है, इसीलिए भारत में लक्ष्मी माँ भी होता है, सरस्वती माँ भी होता है। और जो लोग राम को नहीं मानते हैं, लक्ष्मी को नहीं मानते हैं,
हनुमान जी को नहीं मानते हैं, सरस्वती माँ का नहीं मानते हैं, उनका हालत देखिए, पाकिस्तान का हालत देखिए, आप खुद देखिए आज वहां क्या हो रहा है। कोई लोग हमको बोलता है कि नहीं आज भारत पीछे है, लेकिन भाइयों और बहनों, मोदी जी भारत को विश्व का फिफ्थ इकोनॉमी बनाया और अगले 10-15 साल में भारत विश्व गुरु बनेगा, वर्ल्ड का नंबर वन इकोनॉमी बनेगा, मैं ये विश्वास करता हूं। बंडी संजय जी ने केरला स्टोरी का बारे में भी जिक्र किया, मैं दो बात बोलना चाहता हूं। आप लोग जरूर एक बार केरला स्टोरी देखिए, केरला स्टोरी देखना जरूरत है। कैसे आज हमारा हिंदू का बच्चियों को कैसे टेररिस्ट बनाने का सरजन चल रहा है, यह केरला स्टोरी ने एक्सपोज किया। जब केरला स्टोरी सिनेमा हमारे हॉल में आया, हमारा सेकुलर लोग बोलने लगा कि ये झूठ है, झूठ है। अरे सेकुलर भाई और बहनों, आप असम में आओ, मैं हजारों लड़की हजारी बच्ची को नाम बोलूंगा जो लाभ जेहाद का शिकार बन चुका है। आज हम असम में लाभ जेहाद का खिलाफ काम कर रहा हूं। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओएसी जी जाके बोला कि आपने मद्रासा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओएसी को बोला आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए, और मुझे नहीं ये नया भारत को भी देख लीजिए जो ओएसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओएसी जी को आज बोलना चाहता हूं, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा एक साल में मैं बंद करने वाला हूं, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमें सब लोग मिल के आज भारत को विश्व गुरु बनाना है। इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हमारा सोसाइटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हम भारत को आगे ले जाना है। मोदी जी ने भारत का गरीबों के लिए बिना पैसा में चावल देने का काम किया, कोविड का समय में वैक्सीन देने का काम किया, आज हमारे कृषक के लिए मोदी जी काम करता है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश को विश्व गुरु बनाना है, और बंडी संजय जी का नेतृत्व में तेलंगाना में राम राज्य बनाना है। मैं ये आप लोगों को अपील करता हूं।